मुंबई में ड्रग्स का कारोबार नया नहीं है। मुंबई में किस कदर धड़ल्ले से ड्रग्स और नशीले पदार्थ मिलते हैं इसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मुनीष पांडे ने खुफिया कैमरे पर पेडलर से डील की और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई में कितने धड़ल्ले से ड्रग्स बिकते हैं। हाँ, आप ही हो? कोक है क्या आपके पास? कोक है ना। क्या रेट है? एक नंबर, एक ग्राम 7,000। एक ग्राम 7,000 रुपए का? महंगा नहीं है? हाँ, महंगा नहीं है। एक नंबर माल है भाई। दिखा, चख के देखो। दिखा दिखा। ये असली है? चख के देख लो। माल अच्छा है क्या? क्या रेट क्या है? एक नंबर 7,000 एक ग्राम। तो बड़ा महंगा है यार। 7,000 एक ग्राम, एक नंबर माले भाई। गोवा का है ये, बम्बे बम्बे का थकेला माल नहीं है। और एमडी है? जल्दी, एमडी है ना। क्या रेट है एमडी? 1700 जैसा आपके लिए कर देंगे, 1600। पार्टी के लिए एक नंबर है। पार्टी के लिए एमडी एक नंबर है। नकली हुआ तो माल? गारंटी अपनी। गारंटी फिर कहाँ खोजूंगा मैं तुमको? हो ना, कल कॉल करना। जल्दी जल्दी करो भाई। क्या इतना जल्दी क्या है? बोलो, सेक्शन टाइट है ना भाई जान। अच्छा बोलो, मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास वो है क्या, गांजा है? वीड है? है ना, वीड है। अमेरिकन वीड है भाई। अमेरिकन वीड? अमेरिकन वीड बहुत महंगा। क्या रेट है? बहुत महंगा है। क्या रेट क्या है? 6,000। 6,000 रुपये? कहाँ का है? यूएस। यूएस का है? यूएस का है। है तुम्हारे पास अभी? हाँ? है तुम्हारे पास? है, दिखाओ। ये अमेरिका का है? फुर्सत देखो। हाँ बस सुन लो, ये अमेरिका का है? अमेरिका, यूएस। सस्ता वाला है कोई? नहीं नहीं, सस्ता फिर कश्मीरी चरस आएगा। 4,000 मनाली, 8,000। अच्छा, जल्दी जल्दी बोलो भाई। चरस क्या रेट है? हाँ, चरस क्या रेट है? कश्मीरी का 4,000, मनाली 8,000। मेरे को ये बताओ कि मेरे को ये गांजा चाहिए। हाँ, कितना मिलेगा? कितना चाहिए बोलो? कितना चाहिए मतलब क्या? मैं अभी बोलूँगा तुमको, एक किलो चाहिए तो एक किलो दोगे क्या? सब सब मिलेगा। तो लेके कैसे आते हो इतना सारा तुम लोग? वो है हमारा, तुम खाली काम की बात करो ना भाईजान। कितना चाहिए? सेक्शन टाइट है एकदम, बोलो ना क्या है। तो पेटीएम करूँगा लोगे क्या? पागल है क्या? पेटीएम को ही करते हैं, कैश है ना भाईजान। कैसी बात कर? कैश नहीं है ना भाई अभी। कैसी बात कर रहे यार तुम? मेंटल है क्या थोड़ा? पेटीएम नहीं लोगे? टाइम वेस्ट कर रहे, पागल है क्या? पेटीएम को ही करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं मंगा रहा हूँ, कैश मंगा रहा हूँ। मेरे को ये बताओ कि ये जो अभी इतना सब चल रहा है, ये फिल्म वाले लोग लेते हैं क्या? ये लोग कैसी बात कर रहे? लेते हैं ना भाई, लेते हैं, सब लेते हैं। किसी को बेचा है कभी? ड्राइवर और उन लोग के खास लोग आते हैं, उन लोग चल के आएंगे क्या? अकेला है क्या? सब ड्राइवर और लेके ड्राइवर उन लोग के जो खास लोग आते हैं अभी। ये सब क्या, ये सब जो चल रहा है अभी, सुशांत वाला देखा है? वो सब पता नहीं, वो सब फालतू की बात मत करो भाई। रुक जाओ ना, थोड़ा कैश आएगा तो फिर। अच्छा ठीक है, टाइट है भाई, ठीक है ठीक है। छह महीने से काम भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ऐसा जो बेच रहा है वही बड़ी बात है। तो आज तक पर आपने देखा किस तरह से हमारे संवाददाता ने एक ड्रग पेडलर से बकायदा बातचीत की और देखिए किस तरह से सड़क किनारे यहां पर तमाम तरह के जितने भी तरह के ड्रग्स वो कह रहा था हमारा संवाददाता, और सामने ड्रग पेडलर कह रहा था उसके पास मौजूद है, जो भी चाहिए सब मिलेगा। इतनी आसानी से खुलेआम दिन में कोई ड्रग्स अगर दे रहा है पहुंचकर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में यह सब कुछ कितना आसान है। मुनीष पांडे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, ये स्टिंग किया है, वो खुद हमारे साथ जुड़ा है मुंबई से। मुनीष, दिल्ली से मुंबई पहुंचकर एक तो रिपोर्टिंग करना ग्राउंड जीरो पर, और वहां पर इतनी आसानी से ये जो आपने स्टिंग किया है, ये बहुत कुछ बताता है कि देखिए कितनी आसानी से धड़ल्ले से खुलेआम वहां पर ड्रग्स बिक रहा है, और क्या कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर पाए। सबसे दिलचस्प बात बताता हूं मैं श्वेता आपको, ये जहां पे मैंने ड्रग्स डीलर से बात की, उसने ना सिर्फ मुझे ड्रग्स दिखाई, बल्कि ये वो जगह है जो कि सुशांत के घर से महज 20 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि घर के बगल में। ठीक, मैंने उस शख्स को फ़ोन किया, वहां पर ड्रग्स के लिए मैंने बुलाया और वो वहां पर आ भी गया। क्योंकि ड्रग्स खरीदना और बेचना इलीगल होता है, इसके लिए मैंने उससे ड्रग्स लिया नहीं, मैंने बहाना कर दिया कि मेरे पास में कैश नहीं है। लेकिन हम सिर्फ, हमारा मकसद ये था दर्शकों तक और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन तक ये बात पहुँचाना कि कोई भी शख्स यहाँ पर अगर ड्रग्स खरीदना चाहता है तो उसके लिए चाहे कोकीन हो, उसके अलावा चाहे हैश खरीदना हो उसको,
वीड खरीदना हो, चाहे LSD खरीदना हो, सारे ड्रग्स एक फ़ोन कॉल पर आपके लिए मौजूद होते हैं। यानी कि एक कॉल सेंटर की तरह यहाँ पर चलता है। अगर आपके पास कहीं नंबर आ जाता है, आप फ़ोन करिए और आपको ड्रग्स मिल जाएगी। और ड्रग्स को लेकर अब NCB ने यहाँ पर जो कार्रवाई करनी शुरू की है, ड्रग पेडलर को पकड़ना शुरू किया है। श्रोता, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये एक ओपन सीक्रेट है पूरे मुंबई में। ना सिर्फ फिल्मी सितारे बल्कि जो आम लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो पौश इलाकों में रहने वाले, और ये बैंड्रा का पौश इलाका है जहाँ पर मैंने बात की है, यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अगर वो ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए आसानी से अवेलेबल रहता है। मुंबई पुलिस को इस बारे में जानकारी थी, NCB को जानकारी थी, एंटी नार्कोटिक सेल है मुंबई पुलिस का, उसको जानकारी थी, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कभी भी कार्रवाई से मेरा कहने का मतलब है कि दशकों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इसीलिए इतने धड़ल्ले से विदेशों से आता है ये ड्रग्स और उसके बाद में मुंबई में आराम से बेचा जाता है।